अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये जो बचा हुआ है से, मैंने छोटा से इसको बोलते हैं ये शे, यानी इसको कहीं कहीं पर यूपी में है मूर्धन्य से भी बोलते हैं इसको। इसके बाद में छ, त्र, ग्या, ठीक है। जो कुछ कुछ जो प्रोनाउंसिएशन है, कुछ कुछ मतलब लोग जो हैं अलग तरह से या अलग ढंग से स्टेट वाइज उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो इस वीडियो में आप ज़रूर से ज़रूर आप अपना मतलब कमेंट या फीडबैक लिखें, जिससे हम इसको और भी बेटर बना सकें, ठीक है ना। तो अभी हम बताते हैं ये छोटा सा के बारे में, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं एस से, ठीक है। मैं इससे कुछ एग्जांपल दूं, अगर अगर कोई बोलता है जैसे देखो सिट, तो सिट को अगर हम लोग हिंदी में लिखें तो इस तरह लिखेंगे सिट। इसको इंग्लिश में क्या करेंगे, एस छोटी की मात्रा आई और टी, सिट। दूसरा एक वर्ड लिखते हैं सेफ्टी, सेफ्टी है क्या होगा, एस ए एफ ई टी वाई, सेफ्टी, ठीक है ना। सेल्फिश, अगर हम सेल्फिश करें, सेल्फिश अगर लिखें हम तो ऐसे लिखेंगे, अगर हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे से आधा ल और फ छोटी मात्रा सेल्फिश, ऐसा ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऑब्सकोर है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एस ई से हो गया और एल एफ, ये एल्फ हो गया, और आई से छोटी की मात्रा हो गई, और ये जो एस बचा है मतलब से बचा है एस एच, सेल्फिश, ठीक है। दूसरा अगर इसको एग्जाम्पल बोले सैम्पल, अगर हिंदी में कैसे लेंगे सैम्पल, कैसे लेंगे ऐसा सैम्पल, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कैसे लेंगे, एस ए से हो गया से, ए की मात्रा ले करके, और एम पी एल ई, ये जो पी एल ई या बी एल ई जैसे एबुल लिखते हैं या टेबुल लिखते हैं, इस तरह से इंग्लिश में बहुत चीज़ आता है जो एल ई से एंड होगा, बट हम यहाँ पर ये खाली ले का उसका हमको प्रोनाउंसिएशन आएगा हिंदी में, ठीक है ना। और ये जो आधा वर्ड हिंदी का है उसके साथ जो पूरा वर्ड हम लोग प्रोनाउंसिएशन में आता है इंग्लिश में, इसका मतलब दो कॉन्सोनेंट लगातार रहेगा, दो कॉन्सोनेंट, ठीक है। जैसे अगर हम बोलेंगे बेंड लिखते हैं तो क्या होता है, एन और डी आता है, आधा न और ड, यानी ये एक साथ जब दो कॉन्सोनेंट आता है उसके बीच में कोई वॉवेल नहीं रहेगा, तो सीधा इसका ऐसा आधा मतलब अक्षर का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन ही हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा दूसरा वर्ड दिखाते हैं एक, तो जैसे स्कूल, स्कूल कैसे हम लिखते हैं स्कूल, ठीक है। यहाँ फिर ये आधा जो आ गया वर्ड, इसका मतलब दो प्रोनाउंसिएशन मतलब दो कॉन्सोनेंट एक साथ रहेगा, एस सी, ये सी एस से यहाँ पर क्या का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। स्कूल एस सी एच डबल ओ एल, डबल ओ एल से बड़ी यू की मात्रा और एल से ले हुआ स्कूल। फिर हम बोले सीजन, क्या बोले सीजन, एस ई ए एस ओ एन सीजन, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं दूसरा अक्षर लेटर के बाद बताते हैं, ये जो मूर्धन्य से है ऐसा कोई इंग्लिश में इस तरह का हम लोग डिफरेंशिएशन रिमार्क्स नहीं देखते हैं, इसलिए हम लोग इसको बाद देते हैं। अगर आप कुछ इसके बारे में जानते हैं तो आप फीडबैक दीजिए इसके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद हम बता रहे हैं छ का, ये छ जिसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में लोग करते हैं के एस एच, ठीक है। जैसे अगर हम लोग लिखें छत्री, अगर लिखें हम लोग तो कैसे लिखेंगे छत्री, ठीक है ना। इसको हम लोग लिखेंगे के एस एच छ और टी आर आई वाई, छत्री, ठीक है ना। उसका हम दूसरा वर्ड जो हम बता रहे हैं, जैसे हिंदी में ऐसे छह वर्ड से ऐसा कुछ बहुत कुछ हम लोग खास मतलब इंग्लिश हमने कोई ऐसा वर्ड हम नहीं नोटिस किए हैं, अगर आपको ऐसा कोई वर्ड नोटिस किया है तो हमको बताइए, जो आप के ऐसे ऐसे शुरू हो या बीच में किसी वर्ड के हो, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में जैसे अगर हम लिखेंगे दच, अगर हम लोग को लिखना है हिंदी वर्ड का
दच, इंग्लिश में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डी ए के एस सॉरी के एस एच है दक्ष। फिर अगर हमको लिखना है शिक्षा, कैसे लिखना है शिक्षा, इसे कैसे लिखेंगे, एस एच आई के एस एच ए शिक्षा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ये अच्छा है। और त्रय हो गया, त्रय के बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। त्रय मतलब हो गया जिसका उच्चारण दो, ये त्रय है मतलब इसका हिंदी अगर बोलेंगे तो त्रय के साथ ये रह है थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, त्रय के साथ रह है थोड़ी देर के लिए, आधा रह है। तो इसको हम लोग जैसे त्रय ऐसे लिखते हैं, इसमें हम लोग ये लगा देते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं त्रय का प्रोनाउंसिएशन के बाद ही रे का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, त्रय त्रय आ रहा है, यानी पहले होगा टी उसके बाद होगा आर, दो कॉन्सोनेंट एक साथ, ठीक है। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल बताएं, ऐसा कुछ है त्रय से, जैसे ऐसा मुझे कुछ नहीं याद आ रहा कि त्रय से कुछ होता है मतलब ऐसा वर्ड, लेकिन जैसे हम लोग लिखते हैं त्रिलोक, अगर हमको लिखना पड़े इंग्लिश में अगर कोई ऐसा वर्ड होता तो हमको बताइएगा। त्रय होता है लेकिन त्रय इसको हम लोग त्रय पढ़ते हैं, त्रिलोक अगर हमको ऐसे लिखना होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे त्रिलोक, ठीक है। टी आर से त्रि, आई से ई की मात्रा छोटी की मात्रा, एल ओ की मात्रा, अब क्या। हाँ जैसे हम बोल रहे थे कि टी आर से इंग्लिश में वर्ड होता है, ऐसा बात नहीं वर्ड नहीं होता है, लेकिन उसका उच्चारण हम लोग त्रय नहीं करते हैं, क्या करते हैं ट्रे करते हैं। जैसे ट्रेन क्या है, ट्रेन अगर ऐसा लिखा हो तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, टी आर ए आई एन ट्रेन। फिर जैसे हम लिखें अगर आता है अगर कोई वर्ड ट्रिप, हिंदी में कैसे लिखेंगे ट्रिप, ट्रिप, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में लिखेंगे टी आर आई, टी आर से त्रय हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गई और पी ट्रिप ट्रिप। उसके बाद और है एक वर्ड ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ट्रेडिंग अगर हिंदी में लिखें ट्रे डिंग ऐसा होगा, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, टी आर ए डी आई एन जी ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो ये रहा क्षेत्र, और जो ज्ञा से हम बोल रहे, ज्ञा से ऐसा कोई उच्चारण हम इंग्लिश में नोटिस नहीं किए हैं, अगर आप कुछ जानते हैं तो हमको इसमें आप लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये हमने सारे वर्ड जो हैं कि कैसे अज्ञा तक हम लोग मतलब क्या का पूरा जो कॉन्सोनेंट होता है और वॉवेल होता है इसके बारे में हम लोग जान गए। अब मैं जो करूँगा अगला वीडियो में, मैं एक इंग्लिश का टेस्ट पूरा लिख दूंगा, ऐसा 2 लाइन लिख दूंगा या 3 लाइन, उसके बाद वो हिंदी का लिखूंगा, पूरा हिंदी टेक्स्ट लिख दूंगा, उसका मैं इंग्लिश कैसे लिखूंगा, इंग्लिश लेटर में कैसे लिखूंगा, इसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। उस वीडियो के बाद मैं और एक बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको मैं डायरेक्ट कोई ब्लॉग में या कोई वेबसाइट पर जो लिखा जाता है डायरेक्ट इंग्लिश के कीबोर्ड के लिए हेल्प लेकर के मैं कैसे हिंदी बहुत ही स्पीड में लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। ओके।